डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एपिकल्चर क्या होता है। तो देखिए, एपी एपी वर्ड जो है, एक वर्ड होता है एपिस। एपिस वर्ड जो है ये मधुमक्खी के लिए यूज होता है, बी के लिए इसको यूज किया जाता है। एपिस इज द जेनरा ऑफ बी। ओके, सो एपिकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर बोलते हैं। सो इट, आप इसको लिख सकते हो, इट इज बी कीपिंग। आपने देखा होगा जगह जगह खेतों में जो मधुमक्खी के छत्ते रख दिए जाते हैं, बाद में मधुमक्खियाँ उनके अंदर जाती है, शहद वगैरह देती है वहाँ पे, और फिर उस शहद को बेच दिया जाता है। तो इस टाइप का सा ये बिज़नेस होता है, काफ़ी छोटा बिज़नेस है। तो इसको एक कॉटेज इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, यानी कि कम लागत में इस बिजनेस को किया जा सकता है। इट इज कॉटेज इंडस्ट्री, या जिसे लघु उद्योग बोलते हैं। और कुछ ज़्यादा लेबर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, दो चार लोग ही मिलकर इसको कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी लेबर किसी में जरूरत नहीं है। सो वेरी लेस लेबर इज रिक्वायर्ड, लेबर इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर बात करें प्रोडक्ट की, भाई बी कीपिंग से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो देखिए हमें मधुमक्खियों से दो मेन प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो हनी, सबको पता है शहद मिलता है, और एक मिलता है बीज वैक्स, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको मेल्ट करके जो मोम बनता है उसे बोलते हैं बीज वैक्स। तो देखिए हनी का क्या रोल है, हनी का सबको पता है भाई, हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, काफ़ी सारी मिनरल्स उसमें होते हैं, तो उसको डायरेक्टली खाया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसलिए एडिबल है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इसको बहुत सारी दवाइयों में यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसिंस। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। बात करिए अगर बीज वैक्स की, तो बीज वैक्स जो भी आप क्रीम वगैरह देखते हैं मार्केट में, ये फेयर एंड लवली वगैरह इस टाइप की जितनी भी क्रीम्स होती है, कॉस्मेटिक्स होती है अलग अलग तरह की, उन सभी में बीज वैक्स को यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। और इसके अलावा पॉलिशिंग में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हनी और बीज वैक्स दो प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी इंडियन वैरायटी है मधुमक्खियों में, कौन सी वैरायटी इंडियन वैरायटी है। तो देखिए बीज की अलग अलग तरह की वैरायटी पाई जाती है, इंडिया में जो वैरायटी पाई जाती है उसे बोलते हैं एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग इसकी स्पीसीज होती है, जैसे कि एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका, एपिस डोरसेटा वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको ध्यान रखने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही ध्यान रखना है, एपिस इंडिका, दिस इज द इंडियन वैरायटी, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्या है, इंडियन वैरायटी है, हमारी इंडिया की वैरायटी है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब अगर आप बी कीपिंग में इंटरेस्टेड है तो आपको कुछ पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ मेन पॉइंट्स है जिनका आपको पता होना चाहिए, तभी आप बी कीपिंग कर सकते हैं। तो देखिए वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, हालांकि नीट में ये जो अभी पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। मधुमक्खी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, भाई उसकी किस तरह की हैबिट्स होती है, क्या क्या खाती पीती है, वो थोड़ा बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, फॉर
कीपिंग द बीहाइव। बीहाइव का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी का छत्ता। तो उस छत्ते को रखने के लिए आपको सुटेबल लोकेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसको छोड़ दो उनके छत्तों को, या तो आप उनको कोई आपके आसपास कोई खेत वगैरह है वहाँ पे आप उन छत्तों को रखोगे, या कोई पार्क या कोई गार्डन वगैरह है वहाँ पे, ताकि मधुमक्खियों को वहाँ से फूल वगैरह आसपास जो फूल होते हैं वहाँ से वो नेक्टर ले सके, अपना जो रस होता है वो फूड वगैरह अचीव कर सके, ताकि तभी तो शहद बनाएगी, ऐसे थोड़े ना कहीं भी रख दोगे। तो सुटेबल लोकेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के जो ग्रुप होते हैं उनको स्वार्म बोलते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ बीज। तो आपको उनको पकड़ना और उनको मेंटेन करना आना चाहिए भी, कैसे मधुमक्खियों के छत्तों को कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करके रखते हैं, ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स यानी कि अलग अलग मौसम में किस तरीके से मधुमक्खी के छत्तों को मैनेज करना है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गर्मियों में कहाँ रखना है, सर्दी में कहाँ रखना है, बारिश आ गई तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बीज़वैक्स एंड हनी। यानी कि शहद को और बीज वैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये चार पांच पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके आपसे भी कैसे मधुमक्खियों को मैनेज किया जाता है। तो ये था एपिकल्चर के बारे में, दैट्स इट बच्चों। अब नेक्स्ट करेंगे एक्वा कल्चर क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वा कल्चर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्वा यानी कि वाटर के अंदर जब हम कल्चरिंग करते हैं। अब कल्चरिंग किस चीज़ की करेंगे, देखिए, इट इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हम प्लांट्स को भी ग्रो करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, हम एनिमल्स को भी पानी के में ग्रो करते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं और बाद में फिर उनको बेच देते हैं या उनको कमर्शियली हम उनका कोई ना कोई यूटिलाइज करते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। अब एक्वा कल्चर के अंदर, एक्वा कल्चर की ही एक ब्रांच है पिस्सी कल्चर। एक्वा कल्चर की एक ब्रांच है बच्चों पिस्सी कल्चर। देखिए बच्चों, पिस्सी कल्चर, पिस्सी, इसमें जो पिस्सीज वर्ड होता है, पिस्सी वर्ड जो होता है वो फिश के लिए यूज़ किया जाता है। और पिस्सी कल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ फिश। अब आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल वही है जैसे कि मैंने फिशरी के बारे में बताया था, तो ऐसा नहीं है बच्चों। फिशरी एक अलग चीज़ है, पिस्सी कल्चर एक अलग चीज़ है। देखो, शुरुआती लेक्चर में फिशरी के बारे में बताया था, भाई जैसे मछलियों को या केंकड़े वगैरह होते हैं इनको कैसे कलेक्ट करके इनको बेचा जाता है। बट पिस्सी कल्चर में और फिशरीज़ में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखिए, पिस्सी कल्चर के अंदर क्या होता है कि जो फिश वगैरह होती है उसको एक तरीके से पाला जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, उसको टाइम पे खाना, उसकी केयर की जाती है। बट फिशरीज़ के अंदर ऐसा कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई तालाब के पास गए या समंदर के पास गए, जाल फेंका, मछली पकड़ी, उसको धोया और मार्केट में बेच दिया। कोई पर्टिकुलर केयर यहाँ पे या कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट नहीं होती, नो पर्टिकुलर
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और यू कैन सी नो पर्टिकुलर केयर। बट पिसी कल्चर के अंदर क्या होती है कि फिश को एक अच्छे से उसको पाला जाता है, उसको टाइम पे फीड किया जाता है, उसे पूरी केयर की जाती है और उसके बाद में उसको बेचा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है पिसी कल्चर में और फिशरी में, ठीक है। फिशरी एक लोकल सिस्टम है भाई, कहीं भी कोई भी बंदा है, जो भी मछली मछुआरे होते हैं वो जाएंगे, जाल फेंकेंगे, मछली पकड़ेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो, जो ये सिस्टम है एक्वा कल्चर का, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई, तो इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं भाई, मछलियों के उत्पादन के अंदर जो एकदम से ग्रोथ देखने को मिली इसको क्या बोलते हैं, या एक्वा कल्चर में जो ग्रोथ देखने को मिली इसको क्या बोलते हैं, तो उसको एक टर्म दी गई है, इट इज़ कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, जैसे बच्चों अगर बात करें क्रॉप्स की, जब क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली तो उसको बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। बट यहाँ पे फिश के मामले में जब एक इसके जो बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ मार्केट में देखने को मिली तो इसको एक नाम दिया गया, दैट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये ब्लू रेवोल्यूशन वर्ड जो है ये फिश के उत्पादन से संबंधित वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप से फसलों से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए कुछ बच्चों होती है मैरीन फिश, और कुछ होती है फ्रेश वाटर फिश, इनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई मैरीन फिश कौन सी है, फ्रेश वाटर फिश कौन सी है। तो क्योंकि बहुत सारी फिश है तो इतनी सारी फिश को याद रखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इनको याद रखने के लिए भाई मैरीन कौन सी है और फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। तो देखिए मैरीन फिश को कब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मैरीन डॉट हिसार, क्योंकि हिसार हमारे हरियाणा में हिसार है। सो एक सेकेंड, हाँ अब देखिए मैरिन डॉट हिसार, इस टाइप से आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या मन बन गया, ये मैरिन यानी कि मैरिन वाटर में रहती है, मैरिन फिश होती है बच्चों जो समंदर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर फिश होती है जो कोई तालाब में पोंड में पाई जाती है, उसको फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं। अब देखिए मैरिन डॉट हिसार से क्या हो जाएगा, डॉट का ये जो डी ओ है इससे बन जाएगी डॉल्फिन, टी इस टी से बन जाएगी ट्यूना, ओके एच आई हिसार का जो एच आई है इससे बन जाएगी हिल्सा, और ये एस ए आर है इससे बन जाएगी सर्डिन। तो ये चार एग्जाम्पल है, डॉट का डी ओ जो था उसे डॉल्फिन, टी से टूना, एच आई से हिल्सा, सार से सर्डिन। इसके अलावा जो ये सार का एस ए है इससे आप एक और एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एस ए से एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको, सैलमन, एस ए एल एम ओ एन, दिस इज द स्पेलिंग सैलमन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रहेंगे, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे मैरीन फिश कौन सी है, फ्रेश वाटर फिश कौन सी है। तो देखिए फ्रेश वाटर फिश का भी एक आपको ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पे। इसके लिए देखो हमारे हरियाणा में एक कहावत है बच्चों कि बच्चों के रोड़े में ना बड्डों के सिर फूट जाते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी, ठीक है। तो मैंने इसी कहावत को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, देखिए चाइल्ड के रोड़ा में चाइल्ड के रोड़ा में एंजल मर जाती है,
चाइल्ड का रोड़ा में एंजल मर जाती है। तो देखिए बस हमें याद करना है, ठीक है, ट्रिक अच्छी ट्रिक है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको याद रहेंगे एग्जांपल्स। चाइल्ड से क्या बनेगा, चाइल्ड से बनेगा सी चाइल्ड फिश, सी चाइल्ड फिश। के से बन जाएगा कटला, अब ये रोड़ा जो है ना इसका रो और ये एल्ला, ये दोनों मैंने साथ साथ लिखे हैं रोड़ा, तो ये देखिए इससे रो से होगा रोहू, और रोहू मछली का ही दूसरा नाम है। ला से बन जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेबियो। सो देखिए रोड़ा का रो से बन गया रोहू, और रोहू मछली का दूसरा नाम है लेबियो, तो रोड़ा से दोनों नाम इसी में कवर हो गए हमारे। उसके बाद में एम ए, इससे बन जाएगा मगूर, मगूर फिश। उसके बाद एंजल, एंजल से बन जाएगा बच्चों एंजल फिश। और ऑलमोस्ट जो फ्रेश वाटर फिश होती है काफी कलरफुल सी, काफी अट्रैक्टिव सी दिखती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। खैर बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, मरीन डॉट ही सार का, डू से डॉल्फिन, टी से टूना, ही से हिल्सा, सार से सैल्डिन एंड सैलमन। चाइल्ड के रोड़ा में एंजल मर जाती है, इसमें चाइल्ड से सी चाइल्ड फिश, के से कटला, रो से रोहू, ला ला से लेबियो, मा मा से मगूर फिश, एंजल मर जाती है तो एंजल से एंजल फिश। इस टाइप से ये आप सभी याद कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।